हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन रंधावा। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, ये मोटो व्लॉग है यार। जब एक्शन कैमरा माउंट किया था अपने हेलमेट पे वो एक टेस्ट वीडियो थी। अभी जो है ये एक्चुअल व्लॉग है। तो आप में से कुछ भाइयों ने कहा था कि हमें रोड देखने, अच्छे अच्छे रोड देखने हिमाचल के, तो उसी लिए आज मैं ये आपको रोड दिखाने वाला हूँ अच्छे अच्छे। बस कुछ ही टाइम में हम पहाड़ों पर पहुँचने वाले हैं, पहाड़ों की वीडियो आएगी। ओके, आज की वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो 720 पिक्सल पे है, 30 फ्रेम्स पे। तो मुझे बताना है ऐसी क्वालिटी ठीक रहेगी या मैं अपनी क्वालिटी अपग्रेड करूँ इस कैमरे की, 1080 पिक्सल पे बनाया करूँ वीडियो। 1080 पिक्सल पे वीडियो क्लियर तो बनती है, लेकिन वही है ना, जल्दी स्टोरेज पे जल्दी फिल अप हो जाती है। और अभी मेरे पास 8 GB का ही मेमोरी कार्ड है, तो मैं 120 GB का मेमोरी कार्ड जल्दी ले रहा हूँ, फिर क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकूँगा मैं अपनी। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से यार, जल्दी सभी को सब्सक्राइब करने को बोलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो। और प्लीज़ यार, हिमाचल से हूँ यार मैं, अच्छी अच्छी सीनरी दिखाऊँगा हिमाचल की, सपोर्ट करो। ओके, अभी हम सिटी में एंटर कर गए हैं, देख सकते हो आप। लास्ट टाइम मैं गाड़ी में भी आया था, तब भी यहाँ पे एंटर किया था, सेम रूट है ये, वही वाला, लेकिन उस टाइम गाड़ी पे था, आज बाइक पे। मुझे देखो, मतलब बिना देखे कोई भी आ जाता है सामने और बिना इंडिकेटर दिए घुस जाते हैं। जो पीछे से आ रहा है उसकी टेंशन है, वो ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, चाहे वो ठोक दे इनको आके। लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करते थोड़ी सी भी। ओके, ये सीधा रास्ता जाता है चिंतपूर्णी वाले रोड से, रोड पे, और ये हम राइट साइड से चलेंगे। ओके, तो पहाड़ी रोड्स अभी शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हो। कर्व्स में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, गियर छोटा करके। कर्व्स में बस एक ध्यान रखना पड़ता है, ओवरटेक करने से पहले रोड सीधा होने दे, मोड़ पे कभी भी ओवरटेक ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि सामने से कुछ आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता बचाना, चाहे आप गाड़ी में हो चाहे बाइक पे हो, मोड़ पे कभी भी ओवरटेक ना करें। अपनी लेन में चले रहे मोड़ पे, ताकि जो अगर सामने वाली साइड से कुछ आ जाता है तो वो आराम से निकल पाए। अभी तो ये सुंदर सुंदर रोड है, घाट सेक्शन, ये घुमावदार रोड, मतलब अपाची है ये, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती मोड़ों पे। ये इसके जो टायर्स हैं उनकी ग्रिप कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है अपाची के टायर्स की, लेकिन अगर आप वहीं आप ड्यूक वगैरह के में, जैसे पिरेली वगैरह आते हैं, मिशिगलिन आते हैं, तो उन टायर की पकड़ बहुत मस्त है। और वो टायर अगर लगे हों तो इस जगह पे बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही आएगा। मतलब कैसे चिपक के चलेगी बाइक मोड़ों पे भी। ओके, तो अभी हम नहरिया में पहुंच गए हैं, यहाँ देख सकते हो, ये नहरिया का छोटा सा बाज़ार है। ये देखो, ये सामने जो गाड़ी जा रही है, पोल्यूशन देखो कितना कर रही है, कैसे काला धुआं निकल रहा है बीच में से। मतलब कि सही से सर्विस तक नहीं करवाते यार लोग, सही से सर्विस करवा लो भाई लोग। आप भी क्या ऐसी सुंदर जगह पे आना चाहते हो,
बाइक राइड करना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ जो आपने कभी देखी नहीं, जो किसी ने भी नहीं देखी यार, मतलब यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने दिखाई होगी ऐसी ऐसी जगह में, मेरे को पता है अच्छी अच्छी जगह पे, नई नई जगह पे तो किसी ने ना देखी हो, ऐसी ऐसी जगह भी आपको लेके जाऊंगा। और ये हिमालयन पे 300 रुपये वाला हेलमेट डालकर जाते हुए, क्यों हिमालयन रखी यार, 2-3 हज़ार का हेलमेट तो डाल लो, इतनी भी कंजूसी यार। चेक करो व्यू, चेक करो जगह, चेक करो, पसंद आई तो लाइक करो वीडियो को, और फिर हम और भी वीडियोस बनाएंगे बहुत ज़्यादा, अलग अलग नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। हिमाचल में बहुत ज़्यादा जगह है यार, लोग जाते हैं सिर्फ मनाली चले जाते हैं या धर्मशाला चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह है यार एक्सप्लोर करने वाली। हिमाचल से हूँ तो असली हिमाचल ही दिखाऊंगा, छोटे छोटे रोड्स, मतलब कई इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना जो छोटे छोटे रोड्स पे, बिल्कुल छोटे छोटे रोड्स पे, गांव वाले रोड्स पे, जहाँ पे सिर्फ वो गांव वाले ही जाते होंगे, ऐसे जैसे ये रोड जा रहा है ऐसे रोड कहीं कहीं पहुँच जाती है, और इतनी इतनी अच्छी लोकेशन है जो कोई बड़े यूट्यूबर्स कभी मतलब मुश्किल से ही पहुँचते होंगे, पर मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसी जगह। बाकी मैं सिर्फ मोटो व्लॉगर नहीं हूँ, मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो मेरी आपको फेस भी देखने को मिलेगा, और मेरे घर के बारे में बताऊंगा, और बड़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊंगा। जैसे अब ये देखो, ये जगह चेक करो आप, जगह चेक करो यार, क्या व्यू है वो देखो, वो आपको रोड दिख रहा है वहाँ पे, ऐसे सुंदर सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा जगह होती हैं अनएक्सप्लोर्ड जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते। ओके अभी देखते हैं, चलते हैं यहाँ से फास्ट भी, ओके चलते हैं यहाँ से। अभी जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ पहाड़ से, वो पहाड़, इन पहाड़ों पे भी कोई मेरे को लगता है यूट्यूबर्स नहीं आए अभी तक, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और हिमाचल प्रदेश। ये नाम अच्छा है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो मैं किसी भी अनएक्सप्लोर प्लेस पे जाऊंगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा यूट्यूबर तो कोई भी नहीं गया होगा, जहाँ से ज़्यादा लोग नहीं जाते, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन है, तो उसको मैं इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा, यही टैग डालूंगा अनएक्सप्लोर प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप वहाँ से मेरी प्लेलिस्ट में से ही देख सकते हो। अभी तो कोई भी नहीं डाली मैंने, अभी तो जस्ट आज फर्स्ट डे है ये मोटो व्लॉगिंग का, एक कैमरा लेकर आज फर्स्ट डे मैं इतनी दूर जा रहा हूँ अपने काम पर जा रहा हूँ, तो अगर फ्यूचर में जल्दी ही मैं बनाता रहूँगा, हफ्ते में मैं 3 वीडियोस बनाता हूँ, उसमें से एक तो मोटो व्लॉग होगा ही होगा, और बाकी आपको ऐसे सुंदर सुंदर रोड देखने को मिलते ही रहेंगे। ये रोड जितने सुंदर है ना उतने ख़तरनाक नहीं है भाई, जब बारिश होती हैं तब यही रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं भाई, और मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब बारिश के टाइम तो कुछ पता नहीं होता कौन सा पहाड़ कितना कितना पहाड़ खिसक जाएगा। देखो ये जो इस जगह जहाँ पे मैं हूँ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ लैंडस्लाइड होती है, जो पहाड़ आप राइट साइड पे देख सक रहे हो, ये खुरता रहता है, पत्थर गिरते रहते हैं इसमें से जो बारिश होती हैं, और बहुत ज़्यादा डर होता है बारिशों के मौसम में पहाड़ों में ऐसी जगह पर बाइक चलाने को। ये देखो यहाँ से भी व्यू पॉइंट है ये लेफ्ट साइड को, ये देखो तभी हम सीधे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, जैसे आप ये पत्थर देख रहे हो कि कभी भी कहीं से भी टूट जाते हैं और गिर सकते हैं, ऊपर भी गिर सकते हैं, और कई बार तो पूरा का पूरा पहाड़ ही निकल जाता है, जैसे आपको पता ही है मंडी में हुआ था लास्ट ईयर शायद, जब पूरा का पूरा पता नहीं आधा किलोमीटर का पहाड़ ही खिसक गया था, उसके ऊपर 2 बसेस जा रही थी,
और बसेस में जो लोग थे वो भी मर गए, और जो वहाँ पे लोकल लोग थे जिनका उस एरिया में घर वगैरह था वो भी मर गए। तो मतलब पता नहीं होता बरसातों में, जितने सुंदर ये पहाड़ दिखते हैं उतने ख़तरनाक भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहना पड़ता है, बाकी मोड़ों वगैरह पे, मोड़ वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं ये पहाड़। अब मोड़ पर सामने से कुछ आ जाए, कोई गलत ओवरटेक कर रहा हो, मोड़ पर कोई ओवरटेक कर रहा हो और हम ऐसे एंटर करें मोड़ पर, कई बार नहीं भी ब्रेक लग सकती, ठीक है, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो थोड़ा सा खुद ही ध्यान से चलना पड़ता है। बाकी अगर ध्यान से चलो और नेचर का थोड़ा सा आदर करो तो बहुत सुंदर है। जैसे ये सारे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो मैं कह रहा था नेचर बहुत सुंदर है, अगर थोड़ा सा इसका आदर सम्मान करो, थोड़ा सा तमीज से रहो यहाँ पे। बाकी जल्दी आने वाले टाइम में ये जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन ये तो बंद होने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक हो जाएगा सब कुछ, बाइक्स कार्स, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन और कम होगा और नेचर और ज़्यादा प्रिजर्व हो पाएगा, वो अच्छी बात भी है। मैं तो नेचर के पक्ष में हूँ यार, मेरे को नहीं पसंद कोई भी यहाँ से कूड़ा फेंकता है इधर उधर। अभी तो काफ़ी सफाई हो गई है, मतलब मोदी के स्वच्छ मिशन अभियान के बाद, नहीं तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पंजाब से या कोई टूरिस्ट आते थे और कहीं से यूपी से इधर उधर से, तो मतलब रोड के साइड पे कचरा ही कचरा दिखता था। अभी तो बहुत ज़्यादा सफाई रखनी शुरू कर दी है लोगों ने, अच्छी बात है यार, सफाई रखो, सिर्फ पहाड़ों में नहीं हर जगह सफाई रखो यार। जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, ये भी घर तो घर ही है यार, अपना घर ही है, पूरी जो ज़मीन है ये नेचर है, ये अपना घर ही है, इसको साफ़ रखना चाहिए। अब देखो ये कितना सुंदर, ये सुंदर तभी रहेगा जब हम इसको साफ़ रखेंगे, इसको साफ़ रखो यार। अभी हम डाउन हिल पे हैं, देख रहे हो आप, मैं यहाँ बाइक बंद कर दूँगा और पेट्रोल बचाएंगे अब हम, पेट्रोल वैसे बड़ा महंगा है, ठीक है, हम पैसे की बचत कर रहे हैं और दूसरा बंद करके नेचर की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी इसमें से धुआं नहीं निकल रहा, कोई पोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो नेचर की भी हेल्प हो रही है। स्लोप है थोड़ा सा, इस थोड़े से स्लोप में भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे, जितना हो सके पेट्रोल बचाएंगे, नेचर को बचाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को सुंदर रखने में छोटे छोटे योगदान ही होते हैं यार। कचरा ना फेंको, कचरा उठाने को कोई नहीं कहता, ठीक है, उठाने वाले लोग उठाते भी हैं, पर आपसे अगर नहीं उठाया जाता तो कचरा फेंको ही मत यार। अगर आप कचरा उठा नहीं रहे लेकिन फेंक भी नहीं रहे, तो आप उसमें भी एक योगदान दे रहे हो, कचरा ना फेंकते हैं यार। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो उस प्लैनेट अर्थ को सुंदर बना सकती हैं, ध्यान रखो उन छोटी छोटी चीज़ों का और मिलकर बनाते हैं इस अर्थ को सुंदर। नहीं तो ये एक नदी टाइप है, खड्ड सी है ये, और उस सामने वाली साइड अलग से रोड है, वहाँ से देहरा के लिए निकलता है रोड, और ये जो जिस रोड पे हम आ जाए हैं वो है नदौन के लिए जाता है। या आप व्यू ले सकते हो मेरी बाइक से, मेरी बाइक से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। कैसा फील हो रहा है, लग रहा है कि आप बाइक चला रहे हैं या पहाड़ों में, लग रहा है बताओ मेरे को कमेंट करके, आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि पहाड़ों में आप भी मेरे साथ ही हो, मेरे साथ बाइक चला रहे हो, कमेंट करके बताओ और लाइक भी जरूर कर देना। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मोटो व्लॉग, नेक्स्ट लाइफ स्टाइल व्लॉग, या मेरी शक्ल दिखाते हुए कोई और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई यार, लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।